नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का YCT के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम लोग इकोनॉमिक्स की GS स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कशन, जिसमें हम कॉन्सेप्ट की चीज़ें और फैक्चुअल चीज़ों जो करंट से रिलेटेड होंगी उतना डिस्कस किया जाएगा, और आप देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चन बन जाएंगे। बस थोड़ा सा अगर करंट आप अपडेट करते चलते हैं एग्जाम से पहले, तो ये आपके लिए और ज़्यादा बेहतर सुविधाजनक हो जाता है। तो लास्ट क्लास में हमने बहुत ही आराम के साथ में, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने 10 क्वेश्चन आपको डिस्कस कराए थे, 10 क्वेश्चन डिस्कस कराए थे नेशनल इनकम के रिस्पेक्ट में। और अभी इसमें हमने कहा था कि इस चैप्टर में लगभग 80-90-100 क्वेश्चन होंगे, जो हम धीरे धीरे हम आपको डिस्कस कराते चलेंगे। अब कल क्योंकि कॉन्सेप्ट की चीज़ें ज़्यादा थी, इसीलिए क्वेश्चन कम हो पाए थे। आज कॉन्सेप्ट भी चीज़ें रहेंगी, फैक्चुअल चीज़ें भी रहेंगे, तो क्वेश्चन की संख्या, सॉल्विंग का जो नेचर होगा वो बढ़ जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चन पर, और आज का क्वेश्चन आप देखिएगा, 11वां नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। और 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़िए हमारे साथ क्या है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और खास करके लेटेस्ट में BPSC का जो एग्जाम हुआ था 2019 में, उस PT का एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए हम आपके साथ में क्वेश्चन डिस्कस करते। कह रहे हिंदू ग्रोथ रेट इज रिलेटेड टू, हिंदू ग्रोथ रेट इज रिलेटेड टू, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, कह रहे मुद्रा से संबंधित है, कह रहे GDP से संबंधित है, कह रहे जनसंख्या से संबंधित है, और कह रहे GNP। और GDP का मतलब हमने आपको बताया था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बताया था हमने आपको, और ये भी हमने आपको समझाया था कि भैया एक देश की सीमाओं के भीतर, चाहे नागरिकों के द्वारा उत्पादन किया जाए, चाहे विदेशियों के द्वारा, उनके द्वारा जो भी उत्पादन किया जाएगा उसके अंतिम मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं, GDP कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। और हमने कल ही की क्लास में आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में भी बताया था, और क्या बताया था अगर आप लोग भूल गए हो तो हम आपको रिवाइज करा देते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमने कहा था कि भारतीय नागरिकों के द्वारा उत्पादित पूरे विश्व में, कहीं पर भी अगर भारतीय नागरिकों के द्वारा उत्पादन हो रहा है, तो जो उत्पादन हो रहा है उसके मौद्रिक मूल्य को, अंतिम मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं, हम उसको GNP में ऐड करते हैं। समझिएगा, इसमें विदेशियों के द्वारा उत्पादन की जो किया जाता है वो सम्मिलित नहीं किया जाता, वो चाहे विदेशी भारत में उत्पादन करें चाहे अपने देश में। सिंपल सी बात है, अगर GNP है, GNP में महत्वपूर्ण होता है कि उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है, नागरिकता क्या है। अगर भारतीय व्यक्ति के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है तो वो GNP में शामिल होगा, चाहे वो अमेरिका में उत्पादन करे, चाहे ब्रिटेन में उत्पादन करे, चाहे जर्मनी में उत्पादन करे, चाहे जापान में उत्पादन करे, चाहे विश्व में जहां पर भी उत्पादन करे। लेकिन चलिए, ये तो सामान्य चीजें थी। हम क्वेश्चन पूछा था हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, हिंदू ग्रोथ रेट। देखिए, इसका जो शब्द है ये किसी धर्म से इसका संबंध नहीं, किसी धर्म से इसका संबंध नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, 1980 के दशक में, 1980s के दशक में अमेरिका में एक इकोनॉमिक्स में कॉन्फ्रेंस चल रही थी, USA में एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, और भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे प्रोफेसर राजकृष्णा कर रहे थे इसका प्रतिनिधित्व। ध्यान से सुनिएगा, राजकृष्णा साहब इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि भारत में स्वतंत्रता के बाद जो विकास का रास्ता अपनाया है वह 5-year plan के माध्यम से अपनाया है, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अपनाया है। तो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जो अपनाया है भारत ने विकास करने का रास्ता, वो 1950 या 51 से लेकर 1980 तक के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट रही है, जो GDP की वृद्धि दर रही है, वो लगभग 3.5% के आसपास रही, इससे ज्यादा नहीं रही है। तो उन्होंने ग्रोथ रेट के रिस्पेक्ट में, GDP की वृद्धि दर के रिस्पेक्ट में हिंदू वृद्धि दर का प्रयोग किया, हिंदू वृद्धि दर का प्रयोग किया था। चलिए, ये तो आंसर क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही इस क्वेश्चन का। थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन के संबंध में, देखिए, भारत ने स्वतंत्रता 1947 में हासिल की, ठीक है, हमने 2 वर्ष के आसपास को समय लगाया, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगाया, अपना संविधान निर्माण किया। कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के बाद यहां पर अगर हम देखें तो एक प्रकार से भारत को गणतंत्र के रूप में स्थापित किया गया, और संविधान के अनुसार हम लोगों ने विकास करने का भी रास्ता, एक प्रकार से पाथ चुना, एक मार्ग चुना, और इसके लिए हमने एक आयाम अपनाया जिसका नाम था पंचवर्षीय योजना। और पंचवर्षीय योजना पूरे विश्व में सबसे पहले सोवियत संघ या USSR के द्वारा अपनाई गई थी,
और भारत ने सोवियत संघ से पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा विकास के आयाम को कॉपी किया, और हम लोगों ने पांच पांच वर्ष के प्लान के आधार पर क्या किया था, हम लोगों ने अपना डेवलपमेंट का एक खाका ब्लूप्रिंट तैयार किया। तो पहली पंचवर्षीय योजना भारत में जो चली वो 1951 से लेकर 56, देखिए 1950 और 80 के बीच में थोड़ी सी हमारे साथ में ट्रेजेडी भी घटित हुई, हमारे साथ का मतलब है भारत के साथ में। तो देखिए अगर हम बात करें पहली पंचवर्षीय योजना फर्स्ट फाइव ईयर प्लान 1951 से 56, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1961 से लेकर 66, और फिर तीन वर्ष का हमने प्लान हॉलीडे किया 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69। ये हमने क्या किया, प्लान हॉलीडे, मतलब हमने योजना ही नहीं बनाई, बताते हैं क्यों नहीं बनाई। उसके बाद फिर हमने 1969 से 74 का एक प्लान बनाया और अगला प्लान बनाया 1974 से आपके लिए 1979 तक की, लेकिन ये चला केवल 1978 तक का, 80 तक के इतनी पंचवर्षीय योजनाएं बनी। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना हैरिट डोमर मॉडल पर आधारित थी और पूरी तरीके से भारत सरकार ने फोकस किया कि कृषिगत उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, केवल और केवल कृषि के उत्पादन को बढ़ाने पर फोकस किया। क्यों भैया, रीजन क्या था, क्यों कृषि के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक प्रकार से पूरी तरीके से पुरजोर अपना लगा दिया, पूरी सामर्थ्य के साथ अपना कृषि के विकास को एक प्रकार से डेडिकेट किया। क्यों, रीजन यह था कि स्वतंत्रता के समय से ही हम लोग क्या कर रहे थे, जब विभाजन हो गया भारत का पाकिस्तान में और भारत में, तो हुआ क्या कि अधिकांश उपजाऊ जो जमीन थी एक पाकिस्तान के पास चली गई और दूसरी वाली चली गई हमारे बांग्लादेश के पास में, तो भारत खाद्यान्नों के आयात पर निर्भर हो गया, जिसकी वजह से भारत का विकास बाधित हो रहा था। समझिएगा, हम ऐसे नहीं पंचवर्षीय योजनाओं में चले गए, यहां पर समझाने का सीधा सा मतलब था कि हमारा विकास, देखिए पहले खाद्यान्नों के आयात की वजह से प्रभावित रहा, हमने पूरी तरीके से पंचवर्षीय योजना जो पहली बनाई वो खाद्यान्नों के एक प्रकार से कृषि क्षेत्र के विकास पर, दूसरी बनाई नेहरू महल नोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसका निर्माण जो किया वो हमने पूरी तरीके से भारी उद्योगों के विकास पर किया, केवल और केवल हैवी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट पर अपना ध्यान फोकस किया। तीसरी पंचवर्षीय योजना संयुक्त रूप से बनाई कि कृषि का भी विकास किया जाए, उद्यम का भी विकास किया जाए, लेकिन 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध और 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध और 1966 और इसी के आसपास 1965-66 के आसपास आप देखेंगे भयंकर सूखा पड़ गया, दो युद्ध और भयंकर अकाल सूखा की स्थिति में भारत ने तीन वर्ष का प्लान हॉलीडे कर दिया, कोई योजना ही नहीं बनाई। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी जी सत्ता में आती हैं और 1969 के ईयर आप लोग अगर याद कर पाए तो 1969 में आप देखेंगे इंदिरा गांधी जी ने नेशनलाइजेशन किया, किसका नेशनलाइजेशन किया, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। यह सबसे फेमस, यह सबसे एक प्रकार से प्रसिद्ध कार्य था इंदिरा गांधी का 1969 के टाइम का, 1969 के टाइम का। यहां पर जब इस तरीके की चीजें हुई तो हमारी ग्रोथ बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही थी, हम लोग चाहते थे खूब तेजी के साथ में ग्रोथ करना, समृद्धि दर्ज करना, विकास करना, लेकिन उतनी तेजी से हम बढ़ नहीं पा रहे थे। तो इसी के रिस्पेक्ट में प्रोफेसर साहब ने क्या किया था, हिंदू ग्रोथ रेट का इस्तेमाल किया था जीडीपी की वृद्धि दर के संबंध में, जीडीपी की वृद्धि दर के संबंध में। क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे हु अमंग द फॉलोइंग इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का सीईओ। अब देखिए कितना आसान प्रश्न है और पीसीएस में, बिहार की पीसीएस में 2018 का क्वेश्चन है, और अभी हाल ही के दिनों में सीईओ चेंज हुए हैं नीति आयोग के। इतने समय सीईओ कौन है, इतने समय नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो है परमेश्वरन अय्यर, पी अय्यर साहब जो हैं वो क्या हैं, वो नीति आयोग के करंट टाइम में सीईओ हैं। लेकिन क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, तो 2018 में नीति आयोग का सीईओ कौन था, तो उस समय के जो सीईओ थे वो अमिताभ कांत थे। हमने कल की भी क्लास में डिस्कस किया था कि नीति आयोग बिल्कुल नई एक प्रकार से आप देखेंगे कि संस्था है, 2015 में जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई, और इसने अपनी पूर्ववर्ती संस्था नीति आयोग ने जो है वो योजना आयोग को रिप्लेस किया, योजना आयोग को क्या किया, रिप्लेस करके अपना स्थान बनाया। अब देखिए जो नीति आयोग है वो काम कैसे करता, नीति आयोग सरकार का पॉलिसी थिंक टैंक है, क्या है, थिंक टैंक,
मतलब सोचने विचारने का काम सरकार का कौन करेगा, वो करेगा आपका नीति आयोग। देखिए क्यों करेगा समझिएगा, देखिए आपकी गवर्नमेंट में, हमारी गवर्नमेंट में जो लोग जाते हैं उसमें अनपढ़ लोग भी जाते हैं, हमारे जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं, जो सांसद होते हैं, जो लोकसभा राज्यसभा में विधानमंडल में विधान परिषद में बैठते हैं, वो उसमें से बहुत सारे लोग तो कक्षा 10 कक्षा 12 भी पास नहीं होते, एकदम कह लीजिए कि भ्रष्टाचार की पुतली होते हैं सब। तो इसीलिए भारत का विकास कैसे किया जाए, इन राजनेताओं के माध्यम से होगा? नहीं भैया, इसीलिए इस तरीके के थिंक टैंक की स्थापना की गई। अब देखिए अगर हम इसकी बात करें नीति आयोग की, नीति आयोग की जब स्थापना की गई थी 2015 में, तो इसने एक काम किया था, इसने कहा भैया हम क्या करते हैं, हम आपके लिए एक 15 वर्षीय आप कह लीजिए एक रोडमैप तैयार करते हैं, 15 वर्ष का विकास का रोडमैप तैयार करते हैं, रोडमैप तैयार करते हैं, और 7 वर्ष का 7 ईयर का क्या करते हैं, विजन तैयार करते हैं, और कुल मिला के 2022 और 2030 तक हम किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाएंगे, ये सारा का सारा जो डिसीजन एक प्रकार से नीति बनाएगा वो नीति आयोग के द्वारा बनाया जाए। अब नीति आयोग में थोड़ी सी बात देखिए, नीति आयोग का जो कंपोजिशन होता है, जो इसमें मेंबर होते हैं, प्रधानमंत्री जी इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी, इसमें एक वाइस चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन के साथ साथ में हम आपसे बात करें एक होते हैं हमारे सीईओ, वर्तमान समय में सीईओ परमेश्वरन अय्यर के बारे में बता ही चुके हैं, 4 इसमें पदेन सदस्य और होते हैं, पदेन सदस्य इतने समय जो पदेन सदस्य हैं वो अमित शाह साहब हैं, अमित शाह के साथ में आप देखिए राजनाथ सिंह साहब हैं, इसके साथ साथ निर्मला सीतारमण, और निर्मला सीतारमण के साथ में अगर चौथा नाम याद कर पाइए तोमर साहब है, तोमर साहब इसके क्या है एक पदेन सदस्य, और 4 पूर्णकालीन सदस्य होते हैं, पूर्णकालीन सदस्य ये डिफरेंट डिफरेंट एक प्रकार से ये विशेषज्ञता वाले क्षेत्र से संबंधित होते हैं, ये पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 2 अन्य विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब है ये बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है, इसमें देश भर से गिने चुने विद्वान जो होते हैं उनकी भारत के विकास में एक उनका योगदान देने के लिए, उनकी सलाह पूछने के लिए लोग यहां पर आते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं इंडिया के डेवलपमेंट में। अब देखिए नीति आयोग में अन्य सदस्य भी होते हैं, एक होती गवर्निंग काउंसिल, और गवर्निंग काउंसिल के जो मेंबर होते हैं वो सभी राज्यों के और यूनियन टेरिटरी के, सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, और जहां पर मुख्यमंत्री नहीं है जैसे यूनियन टेरिटरी में, तो जहां पर मुख्यमंत्री नहीं है वहां पर कौन होगा, वहां के प्रशासक गवर्निंग काउंसिल के मेंबर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, 13 देखिएगा क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें ऑप्शन जो है आपके वो ऊपर नीचे हो जाएंगे, हम अभी करा देंगे, पढ़ लीजिए क्वेश्चन फिर हम ऊपर नीचे करके इसको सही करा देते हैं। क्या इन गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज नीति आयोग Which is an economic policy making think tank? What is the full form of नीति आयोग? मतलब क्या कह रहे हैं, भारत सरकार के नीति आयोग जो कि आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है, थिंक टैंक है, में नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? और ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, ऑप्शन दिया है नेशनल इंटरनल ट्रेड इंफॉर्मेशन, देखिए नेशनल इंटरनल ट्रेड इंफॉर्मेशन दिया है, अगला इंफॉर्मेशन अगला क्या दिया है, अगला ऑप्शन दिया है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अगला जो ऑप्शन है वो है नेशनल इंटीग्रेटेड ट्रीटी इंस्टीट्यूशन, और अगला ऑप्शन क्या दिया हुआ है नेशनल इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 4 ऑप्शन दिए हुए, और नीति आयोग, अब आपको पता है सबको नीति आयोग, और ये क्वेश्चन आप मानेंगे नहीं बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, वन डे एग्जाम से लेकर हर एग्जाम में एक एक बार कम से कम ये क्वेश्चन आया ही आया है, इतना ज्यादा बार पूछा गया, हालांकि अब पूछने के चांसेस कम है, लेकिन सबसे बड़ा सरकार का पॉलिसी थिंक टैंक है तो हमें जानना चाहिए कि भैया फुल फॉर्म क्या है कम से कम। तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है नीति आयोग का फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या है द लेटेस्ट पर कैपिटा इनकम ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया इज मिनिमम ऑन करेंट प्राइस, करेंट प्राइस पर
निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? ऑप्शन क्या क्या है? बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, और चौथा ऑप्शन क्या है? अगर चौथे ऑप्शन के बारे में हम बातचीत करें तो देखिएगा क्या है, चौथा ऑप्शन है नागालैंड। चलिए चारों ऑप्शन पर बताना है आपको, तब तक हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको इसके संबंध में जानकारी देते। देखिए क्या है, अगर करंट टाइम की हम बात करें भारत की पर कैपिटा इनकम की, भारत की प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें करंट प्राइसेस पर, चालू कीमतों पर, करंट प्राइसेस पर अगर हम भारत की प्रति व्यक्ति आय के बारे में बातचीत करें तो भारत की प्रति व्यक्ति आय जो वर्तमान समय में है वो लगभग $1900 के आसपास है, और यह राशि लगभग लगभग अगर हम पैसे में व्यक्त करें तो 1.41 लाख रुपए होती है, 1,41,000 रुपए भारत की प्रति व्यक्ति आय, औसत जो आय है प्रति व्यक्ति वो 1,41,000 के आसपास है। अगर हम इसको कांस्टेंट प्राइस पर बताएं, स्थिर कीमतों पर अगर हम बातचीत करें, स्थिर कीमतों पर, तो भारत की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान समय में लगभग 94,000 रुपए, अप्रॉक्सीमेटली 94,000 समथिंग रुपीज है, हम उसको होल सम में बता रहे हैं कि लगभग 94,000 रुपए है कांस्टेंट प्राइस पर। कांस्टेंट का मतलब स्थिर कीमतों पर, और ऊपर वाली जो कीमत बताई है, जो प्रति व्यक्ति आय बताई, वो किस पर है? यह जो है वह चालू कीमतों पर। आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो चालू कीमतों पर पूछा है, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसकी, तो ध्यान दीजिएगा सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है बिहार राज्य की, और बिहार राज्य की अगर हम प्रति व्यक्ति आय के बारे में अगर हम आज की डेट में बात करें तो लगभग लगभग चालू कीमतों पर 46,000 समथिंग रुपए है। 46,000 समथिंग का मतलब एग्जैक्ट डाटा के बारे में अगर हम बातचीत करें तो 96,292 रुपए जो है वो प्रति व्यक्ति आय है बिहार की, 46,292 रुपए प्रति व्यक्ति आय है बिहार की। और सबसे ज्यादा कहां की है? तो गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, और गोवा की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? लगभग 4,55,000 रुपए। कितनी? 4,55,000 रुपए करंट टाइम में गोवा की क्या है? गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा 15 नंबर क्वेश्चन। देयर इज अ प्रॉब्लम इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, देयर इज प्रॉब्लम इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। क्या कह रहे हैं? मिनिमम एम्प्लॉयमेंट, अल्प रोजगार की एक समस्या है। किसके? ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आय की गणना में पूछ रहे हैं क्या समस्या है। दूसरा कह रहे हैं असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कह रहे हैं। तीसरा कह रहे हैं मुद्रास्फीति, और चौथा क्या कह रहे हैं? चौथा ऑप्शन जो दे रहे हैं वो बचत का निम्न स्तर दे रहे हैं। क्या? बचत का निम्न स्तर, बचत का निम्न स्तर। आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सी बहुत बड़ी समस्या है भारत में। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बातचीत करें, अल्प रोजगार जो है वो आर्थिक विकास, आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। इन द रिस्पेक्ट क्या, किस रिस्पेक्ट में हमने कहा? हमने कहा कि भैया गरीबी और बेरोजगारी जो होती है वो हमारी जीएनपी को, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट हमारी जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को बढ़ने नहीं देती। क्यों नहीं बढ़ने देती है? क्योंकि लगातार गरीबी बढ़ रही होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा होता, चाहे जितना हम प्रोडक्शन बढ़ा ले कोई मतलब नहीं निकल के आता। मतलब अगर हम कहें तो इसका मतलब है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉपुलेशन ग्रोथ से संबंधित है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दिक्कत केवल डेवलपमेंट में है, अगर हमारी जनसंख्या कम होती तो हो सकता है हमारे यहां की प्रति व्यक्ति आय और ज्यादा होती, 3,00,000-4,00,000 रुपए भी प्रति व्यक्ति आय हो सकती थी, जो वर्तमान समय में 1.5 लाख के आसपास है। लेकिन क्या कर सकते हैं, तो ये राष्ट्रीय आय की गणना में बाधा नहीं। अगला देखिए असंगठित क्षेत्र, देखिए असंगठित क्षेत्र का मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां पर काम करने वाले लोगों की संख्या 2 से लेकर 10 होती है, एक ऐसा क्षेत्र जो उत्पादन के क्षेत्र में कार्य कर रहे होते हैं, उत्पादन ऐसे लोग जिनकी संख्या 2 से 10 होती है और क्या कर रहे होते हैं, उत्पादन के क्षेत्र में कार्य कर रहे होते हैं, उत्पादन के क्षेत्र में कार्य करेंगे यहां पर। लेकिन ये जो असंगठित क्षेत्र होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, ये सरकार के नियंत्रण में नहीं होता, सरकार के नियंत्रण में नहीं होता। नीतियां बहुत बनाती है सरकार, लेकिन यहां तक इसका बेनिफिट ही नहीं पहुंचता। अब देखिए असंगठित क्षेत्र आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ग्रामीण स्तर पर जो कुटीर उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योगों का मतलब क्या, जैसे आप देखिए बीड़ी बनाने का लोग काम करते हैं घरों के स्तर पर,
ठीक है, बीड़ी बनाने का, माचिस उद्योग जो होता है, माचिस बनाने का, माचिस की पैकिंग करने का काम जो करते हैं वो भी कुटीर उद्योगों में ही किया जाता है। तो इस तरीके के लोग क्या करते हैं, एक ही परिवार के लोग अपने घर के अंदर ही क्या कर रहे हैं, उत्पादन कार्य कर रहे हैं। तो वहां पर जो सरकार नियम बनाती है उद्योग क्षेत्र के लिए कि नहीं मजदूरों के लिए, जो श्रमिक हैं, जो कार्य करते हैं उनके लिए ये सुविधा होनी चाहिए, यहां तक नहीं पहुंचती है और वास्तविकता में इनको कितना वेतन मिलता है इसके बारे में भी जानकारी नहीं होती। तो असंगठित क्षेत्र या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने लोग कार्य करते हैं उनको क्या वेतन मिलता है इसके बारे में सरकार को जानकारी नहीं होती। अब जब सरकार को जानकारी नहीं होगी तब क्या होगा, इसका मतलब सीधा सा है कि नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, नेशनल इनकम की। अब भाई सपोज करिए, हम आपको बता रहे हैं कि भारत की कुल श्रम शक्ति का अगर 20% लोग भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर काम कर रहे हो तो 20% मतलब सोचिए, 130 करोड़ पॉपुलेशन और 130 करोड़ में हम 80-90 करोड़ मान के चले कि 80 करोड़ जनसंख्या जो है, 70 करोड़ जनसंख्या क्या है, श्रम शक्ति, और श्रम शक्ति का 20% कह दें हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, आप सोचिए कितना, लगभग 15-17 करोड़ के आसपास लोग निकल के आएंगे। इतना लोग जिनकी संख्या करोड़ों में है उनकी आय और व्यय के बारे में सरकार को पता ही नहीं, तो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कैसे अच्छा होगा। तो असंगठित क्षेत्र राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। अगले ऑप्शन को भी देख लेते हैं, कह रहे हैं कि मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, मनी इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति एक घटना होती है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतें होती है उसमें वृद्धि देखी जाती है, जिसमें सामान्यतः लगातार सतत रूप से वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतें होती हैं, प्राइसेस जो होती हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, उसमें कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज देखा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब मुद्रा स्फीति आती है, अगर यह कंट्रोल नहीं होती है तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो छोटी मुद्राएं होती हैं वो प्रचलन से बाहर होती चली जाती है। मतलब सपोज करिए, एक सामान्य स्थिति है, सामान्य स्थिति में हम इस पेन को यूज कर रहे हैं लिखने में, 10 रुपए का मार्केट में ये पेन मिलता है, सामान्य स्थिति। इन्फ्लेशन आ जाता है, इन्फ्लेशन आने के बाद यह 2022 के आखिरी में, 2023 में, 2024 में इसकी कीमत क्या हो जाती है, ये 1000 रुपये, 10000 रुपये हो जाती है। तब सपोज करिए, तब क्या होता है, धीरे धीरे क्या होगा, 1 रुपये, 2 रुपये के जो छोटे सिक्के होते हैं वो प्रचलन से बाहर हो जाते हैं। जैसा कि वर्तमान समय में आप देखते हैं कि 50 पैसे का पुराना सिक्का या 50 पैसे का सिक्का और 25 पैसे का सिक्का मार्केट में प्रचलन से इसीलिए बंद हो गया क्योंकि उसकी क्रय क्षमता शून्य हो गई थी। मतलब मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो छोटी मुद्राएं होती हैं उनकी क्रय क्षमता भी शून्य हो जाती, और इसका प्रभाव सबसे ज्यादा किस पर पड़ता है, जिसकी इनकम फिक्स होती है, जिसकी इनकम फिक्स होती है उस पर सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है मुद्रास्फीति का। अगला ऑप्शन क्या है, कह रहे बचत का निम्न स्तर। अब भैया बचत का निम्न स्तर से मतलब नहीं है, देखिए सिंपल सी बात है, बचत का निम्न स्तर से कोई मतलब नहीं। देखिए विकसित अर्थव्यवस्थाओं में, डेवलप्ड जो नेशन रहते हैं, यहां पर अगर हम किसी व्यक्ति की इनकम को वाई से इंडिकेट करें तो वो व्यक्ति क्या करता है, या तो कंजम्पशन करेगा या तो सेविंग करेगा, और विकसित राष्ट्रों में सेविंग बहुत कम है, विकसित राष्ट्रों में सेविंग बहुत कम है, अमेरिका जैसे राष्ट्रों में सेविंग बहुत कम है, यहां पर कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। लेकिन वहीं पर दूसरे राष्ट्र विकसित हैं जैसे जापान, जापान जैसे देशों में कंजम्पशन कम है, सेविंग ज्यादा है। कहने का मतलब सेविंग का प्रभाव एक प्रकार से नेशनल इनकम की कैलकुलेशन पर यह समस्या बाधा नहीं करता। और भारत जैसे देश में, अब आपको पता है सबसे ज्यादा हम कहें तो बातचीत करें, जो हमारे यहां पर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं सबसे ज्यादा सेविंग करते हैं, कंजम्पशन को न्यूनतम रखते हैं, सेविंग को मैक्सिमम करने का प्रयास करते हैं। हालांकि कुछ समय से हम लोगों ने देखा है कि कंजम्पशन के पैटर्न में चेंजमेंट आ रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ रहा है जिसकी वजह से हमारे कंजम्पशन के पैटर्न में चेंजमेंट हो रहा है। तो आजकल हम क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन खूब कर रहे हैं, खूब ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं। उपभोग का फायदा ये होता है, जितना ज़्यादा आप उपभोग करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, उतना ज़्यादा डिमांड होगी, और डिमांड होने की वजह से क्या होगा, डिमांड की वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से आप देखेंगे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से क्या होगा, जीडीपी या नेशनल इनकम में इंक्रीज देखने को मिलेगा। यह पूरा का पूरा चक्र होता है, पूरा का पूरा एक चक्र होता है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, असंगठित क्षेत्र राष्ट्रीय आय की गणना में एक बाधा है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, व्हेन डिड द नीति आयोग केम इनटू एग्जिस्टेंस। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है।
बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। अब देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और यह भी क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा गया है। मैंने कहा ना यहां से क्वेश्चन कई बार आए हैं और देख लीजिए क्वेश्चन आया है 2017 बीपीएससी का क्वेश्चन है और कब स्थापना हुई थी तो 1 जनवरी 2015 को। मैं बता चुका हूं इसके बारे में डिटेल चर्चा हो चुकी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा क्या है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। कह रहे रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिवाइज द बेस ईयर फॉर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। हाल ही में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान के लिए आधार वर्ष को संशोधित किया। हाल ही में करंट टाइम में क्या किया है, मतलब क्वेश्चन कब पूछा गया 2014 में, तो 2014-15 के आसपास ही करंट ईयर जो था, बेस ईयर जो था वो चेंज हुआ था, तो 2014 का क्वेश्चन है, हिमाचल पीसीएस का क्वेश्चन है। कब कह रहे 2001-2 से हटाकर क्या किया था 2011-12, कह रहे 2004-5 से हटाकर 2013-14 किया, 2004-5 से हटाकर 2011-12 किया, और अगला ऑप्शन जो दिया है, अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन है आपके सामने ये है कि 2001-2 से 2011-12। तो हम पहले आपको बता देते हैं बेस ईयर होता क्या। बेस ईयर आधार वर्ष एक ऐसा वर्ष होता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सामान्य होता है। सामान्य का मतलब ठीक ठाक उत्पादन होता है, सफिशिएंट मात्रा में प्रोडक्शन होता है, तो जिसकी वजह से किसी भी वस्तु की जो कीमत होती है, प्राइस, वो बहुत तेजी से बढ़ती नहीं है, बहुत तेजी से गिरती भी नहीं, उत्पादन क्योंकि अच्छा हुआ है। तो ऐसी, यानी कि हम कह सकते हैं एक ऐसा वर्ष जिसमें मानसून अच्छा रहता है, बारिश अच्छी होगी तो उत्पादन अच्छा होगा, ठंडी अच्छी होती है, ठंडी ठीक पड़ती है मतलब उत्पादन के लिए, ये भी है, गर्मी अच्छी पड़ती है मतलब फसलों को नुकसान नहीं होता, बीमारी महामारी नहीं आती है। इस तरह की वर्ष को हम क्या कहते हैं, आधार वर्ष कहते हैं, जिसमें कीमत स्तर सामान्य रहता है, बहुत तेजी से कीमत स्तर में, प्राइस लेवल में चेंजमेंट नहीं होता है। तो देखिए बेस ईयर को चेंज करके क्या किया था, बेस ईयर को चेंज करके सरकार ने 2005-4-5 के स्थान पर करंट टाइम में जो बेस ईयर चल रहा है वो 2011-12, और सरकार वर्तमान समय में भी बेस ईयर को चेंज करने का प्लान बना रही है और 2011-12 के स्थान पर 2021-22 करने का विचार सरकार कर रही, विचार हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, तो अभी बेस ईयर 2011-12 ही है और कुछ समय के बाद जब सरकार चेंज करेगी तो 2021-22 हो जाएगा बेस ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 भी बिल्कुल आसान है। कह रहे हैं कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, किस वर्ष स्थापना हुई थी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का गठन किस वर्ष में हुआ था। कह रहे 1950 में हुआ था, 1951 में हुआ था, 1947 में हुआ था, और अगला ऑप्शन क्या कह रहे हैं, अगला ऑप्शन कह रहे हैं 1948 में हुआ था। तो उत्तर बताइए आप सभी लोग, कब हुआ था, 1950 में, 1951 में, 1947 में और 1948 में, सभी लोग उत्तर करें। नेक्स्ट प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, सभी लोग उत्तर करें, क्या आंसर होगा एक बार विचार करिए इस क्वेश्चन पर, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है और उत्तर करिए क्या आंसर होगा। तो हमने आपको कल की भी क्लास में बताया था कि NSO का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, वो 1950 में हुआ था, 1950 में, किसके सलाह पर किया गया था, सुझाव पर, महालनोबिस जी के सुझाव पर इसका गठन किया गया था, ठीक है दोस्तों। और 1951 में, 1951 में किसका गठन हुआ था, 1951 में CSO का, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था, और इन दोनों संस्थाओं को 2019 में मर्ज करके क्या बना दिया गया, NSO, मतलब NSSO और CSO को मर्ज करके क्या बना दिया गया, NSO। तो ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं, सेम क्वेश्चन। देखिए मैंने कहा था ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पीछे भी डिस्कस करा चुके हैं, हिमाचल पीसीएस का 2014 का, नीति आयोग में नीति का तात्पर्य है, सोचने की आवश्यकता है, बिना ऑप्शन आपको पता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो देखिए कौन सा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ए ऑप्शन। इसी तरीके से जब आप प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस देखिए, हमेशा
किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए प्रैक्टिस बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती। आप प्रैक्टिस जितना अच्छा करेंगे, जितना बढ़िया तरीके से करके जाएंगे एग्जाम में, उतनी ही स्मूथली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए। और स्थापना आपको पता ही, फर्स्ट ऑफ जनवरी कब हुआ था? 2015 में। किसको प्रतिस्थापित किया था इस संस्था ने? प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन को इस संस्था ने क्या किया था? प्रतिस्थापित किया था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 20 पर डिस्कस करते हैं। टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा, देखिए क्या है। कह रहे भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी। कह रहे भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहे हैं? देयर इज अ रेगुलर इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ ड्यूरिंग लास्ट डिके। कह रहे हैं कि पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है। और दूसरा क्या कह रहे हैं? पिछले दशक में बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है। कह रहे हैं पहले ऑप्शन में कह रहे हैं कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता रहा है, और दूसरा ऑप्शन क्या कह रहे हैं? दूसरा कह रहे हैं कि जो चालू है मतलब बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है। और आपको कौन सा कथन सही है? और 2015 का क्वेश्चन है, आईएएस का क्वेश्चन। देखिए बिना फैक्ट डाले हुए फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विचार करिए इस क्वेश्चन पर विचार कीजिए, क्या है इस क्वेश्चन पर। चलिए हम बात करते हैं, 2015 का टाइम है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से हम देख लेते हैं, आपको हम फिर से पढ़ा देते हैं क्वेश्चन, फिर से देखिए और तब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं कि पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ी है। पिछले दशक का मतलब क्या कह रहे हैं? 2001 से 2010 तक वाला। अब बताइए क्या बढ़ी है, सोचिए पिछले दशक में क्या लगातार वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ध्यान से समझिएगा 1999 में हमारा कारगिल वार होता है। कारगिल वार के साथ ही हम लोगों ने क्या किया था, इसी के साथ में हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट भी किया था। इसकी वजह से ग्लोबल लेवल पर हमारे ऊपर सेंसर लगा दिए गए थे। जैसे वर्तमान समय में रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो रसिया के ऊपर पूरे विश्व ने लगभग सेंसर लगा के रखा है। और अगर आप लोग न्यूज़पेपर देखते होंगे तो आप पाएंगे कि हाल ही में रसिया ने भी गैस की जो सप्लाई थी उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया है कि हम सप्लाई ही नहीं करेंगे गैस की। मतलब यूरोप अब एनर्जी क्राइसिस में जाने वाला है, ये आप देखेंगे। तो मतलब क्या, और उसके बाद फिर 2008 का टाइम है। 2008 में हुआ क्या? ग्लोबल रिसेशन आ गया। ग्लोबल रिसेशन क्यों है? अमेरिका में क्राइसिस हो गए। विश्व की कई बड़ी इकोनॉमी, जैसे मैं बात करूं पिक्स की, PIIGS, ये पिक्स है। पिक्स में पी स्टैंड करता है पुर्तगाल को, आई इंडिकेट करता है आइसलैंड को, और ये करता है एक प्रकार से इटली को, सॉरी ये आयरलैंड को इंडिकेट करता है, और ये इटली को करता है, और ये हमारा जो है जी वो ग्रीस को करता है, और एस स्पेन को। ये सारी के सारी दिवालिया हो गए। आप सोचिए डेवलप्ड नेशन है भैया ये, और दिवालिया हो गए। तो क्या इसका प्रभाव भारत पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ा। हम ये कहेंगे कि बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुआ इनके जैसे कि दिवालिया हो गया हो। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया और लोगों को बेरोजगार होने से बचाया, लोगों के हाथ में पैसा दिया ज़्यादा से ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या डिमांड बनती रही और डिमांड की वजह से मार्केट में बैलेंस बनता रहा। लेकिन फिर भी इसका प्रभाव भारत में पड़ा। तो पहला वाला ऑप्शन जो होता है वो कट जाता है। क्यों? क्योंकि लगातार वृद्धि नहीं हुई। दूसरे की बात करें, पिछले में बाजार कीमतों पर रुपए में सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ा। तो देखिए सकल घरेलू उत्पाद की अगर हम बातचीत करें तो हां यह सही है। बी वाला जो है, अगर हम बातचीत करें यह वाला सही है कि बाजार कीमतों पर। अब देखिए सिंपल सी बात समझिएगा, हर वर्ष कुछ ना कुछ चीजों की कीमतों में वृद्धि होती है। जैसे सपोज करिए मैं बिल्कुल सामान्य सी कीमत बता रहा हूं, जैसे गेहूं का बात करिए,
गेहूं का इस वर्ष कीमत क्या था? 2015 रुपये सरकार ने निर्धारित किया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस। पिछले वर्ष क्या था? पिछले वर्ष कम था, 1975 के आसपास या 1985 के आसपास था, उससे पहले और कम था। मतलब हर वर्ष सरकार इंसेंटिव देती है, प्रोत्साहित करती है। इसी तरीके से हर वस्तु की कीमत में कुछ ना कुछ, चाहे पैसे में ही वृद्धि हो, लेकिन होती रहती है। या तो वो क्वालिटी क्वांटिटी में कमी कर देंगे, समझिएगा, बिल्कुल कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब हल्की हल्की जब कीमतें बढ़ती हैं, छोटी छोटी मात्रा में जब कीमतें बढ़ती हैं, तो इससे प्रोड्यूसर बहुत प्रोत्साहित होता है कि कीमतें बढ़ रही हैं, हमारा लाभ बढ़ेगा। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है, वास्तविकता में इसका लाभ सबको मिलता है। जब धीरे धीरे कीमतें बढ़ती हैं तो इसका लाभ पूरी अर्थव्यवस्था को मिलता है। प्रोड्यूसर को सोचता है कि हमको लाभ मिलेगा, इसीलिए उत्पादन बढ़ाता है, उत्पादन बढ़ाता है तो रोजगार बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है तो लोगों की इनकम बढ़ती है। अब आपको पता है पूरा का पूरा चक्र मैं आपको बता चुका हूं। तो इस अनुसार जीडीपी पिछले वर्ष में बाजार कीमतों पर क्या हुई? बढ़ी थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अब देखिए ये भी क्वेश्चन है फैक्चुअल क्वेश्चन, लेकिन 2001 का है। अब आपको 2001 का याद नहीं रखना है, लेकिन मैं फिर भी आपको पढ़ के बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, आईएएस का क्वेश्चन है, छोटी मोटी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, देश का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है आईएएस को, और आईएएस में क्वेश्चन आया है। कह रहे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट, क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? कह रहे हैं गुजरात एक दिए हैं, दूसरा कह रहे हैं कर्नाटक दिए हैं, तीसरा कह रहे हैं महाराष्ट्र दिए हैं, और चौथा क्या है, तमिलनाडु। कह रहे हैं विद रिफरेंस टू द लेवल ऑफ नेट पर कैपिटा स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट जीएसडीपी के बारे में कह रहे हैं, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है, एक राज्य की सीमा के भीतर कितना उत्पादन हुआ है, राज्य की सीमा के भीतर। हाँ, कह रहे इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या है, सबसे बड़ा वाला पहले, सबसे बड़ा राज्य जहां जिसकी जीएसडीपी सबसे ज्यादा है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब सबसे बड़ा, और फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा। तो आपको इसके अनुसार उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर देखिए आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 21 का सभी ऑप्शन देख लीजिए। कह रहे हैं 1, 3, 4, 2, फिर कह रहे हैं 3, 1, 2, 4, और अगला ऑप्शन क्या कह रहे हैं, अगला ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन कह रहे हैं 1, 3, 1, 3, 2, 4, और अगला ऑप्शन क्या कह रहे हैं 3, 1, 4, 2। तो देखिए मैच करिए, उस समय के बारे में अगर हम आपसे डिस्कस करें, हम आपको बताएं, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बातचीत करें तो सबसे बड़ा, देखिए वर्तमान समय में भी अगर हम जीएसडीपी की बात करें तो सबसे बड़ा अगर हम देखें तो जीएसडीपी आपका होता है, आप देखेंगे कि महाराष्ट्र का होता है। महाराष्ट्र सबसे बड़ा है वर्तमान समय में भी और उस समय में भी। आप इसको इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया के भी नाम से तो जानते हैं, किसके नाम से, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, नहीं सभी लोग बताइएगा, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जब जानते हैं तो नंबर एक पर कौन है, देखिए गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मतलब सबसे पहले पर आएगा तीन नंबर, सबसे बड़ा तो तीन नंबर आएगा। ये खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, पहले नंबर पर तीन आएगा ना, ये खत्म हो गया, मतलब ए और सी खत्म हो गया, ए और सी खत्म हो गया, ए खत्म, सी खत्म, बचा क्या है, ए और सी खत्म, तो ए और सी में ये गया आपका और ये गया, बचा क्या है, ये और ये। अब देखिए फिर किसका है, और दोनों में देखिए फिर कह रहे हैं एक और एक, मतलब कॉमन है, तीन के बाद एक, तीन के बाद एक में ऑप्शन क्या था, एक में था आपका गुजरात, क्या था, गुजरात, देखिए मतलब सबसे नंबर एक पर आपका महाराष्ट्र, फिर गुजरात। अब आपको बताना है कि तमिलनाडु और कर्नाटक में किसकी ज्यादा जीएसडीपी है, तो तमिलनाडु और कर्नाटक के स्तर की अगर हम बातचीत करें तो तमिलनाडु और कर्नाटक में सबसे जो ज्यादा है जीएसडीपी की बात करें तो आप देखेंगे कि वो तमिलनाडु की है, और उसके बाद किसकी है, उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हमारा किसका है, कर्नाटक का। तो ऑप्शन क्या बनेगा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बनेगा सबसे बड़ी, फिर गुजरात बनेगा, गुजरात के बाद क्या बनेगा, गुजरात के बाद आपका बनेगा तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद क्या बनेगा, तमिलनाडु के बाद जो बचा हुआ राज्य है वो कर्नाटका बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा क्या है, 22 नंबर, बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है,
पढ़िएगा हमारे साथ में तो समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं इन इंडिया रूरल इनकम्स आर जनरली लोअर देन द अर्बन इनकम्स। कह रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों की आय कम होती है या ग्रामीण इनकम कम होती है किससे? शहरी इनकम से। क्यों? क्यों रीजन कह रहे हैं, भारत में ग्रामीण आय प्रायः नगरीय आय से कम है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण जिम्मेदार है? तो पहले कारण पर देखते हैं क्या लिखा है। कह रहे हैं पहला कारण जो दिया है, कह रहे हैं कि किसान बहुत बड़ी संख्या में निरक्षर और उन्हें वैज्ञानिक कृषि के बारे में उनका ज्ञान क्या है, नगण्य है। तो एक ऑप्शन सही है, ये भी रीजन है भैया। भारत में जो कृषि है वो अधिकांश जो कृषक हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक प्रकार से पढ़े लिखे नहीं है, इसकी वजह से भारत में वैज्ञानिक कृषि का अभाव पाया जाता है। ये सही है, बिल्कुल सही। दूसरा देखिएगा क्या, दूसरा कह रहे हैं विनिर्मित उत्पादों की तुलना में प्राथमिक वस्तुओं का मूल्य कम होता है। बिल्कुल, विनिर्मित वस्तुओं का मतलब आप समझिए, गेहूं किसान ने उत्पादित किया, गेहूं वर्तमान समय में अगर हम बातचीत करें तो सरकार ने जो कीमत निर्धारित की 2015 रुपये क्विंटल 100 किलो खरीदेंगे, और अगर इसी गेहूं से ब्रेड बन जाता है तो एक ब्रेड का कीमत देखिए कितना, 10 रुपये, ब्राउन ब्रेड का कीमत 25 रुपये, 30 रुपये, विनिर्मित पदार्थ हो गया। सिंपल सी बात है, कृषिगत उत्पाद की जो कीमत होती है वो विनिर्मित उत्पाद की कीमत से क्या होती, कम होती। तो दोनों, दो भी सही है। फिर कह रहे हैं वाइल कंपेयर्ड टू इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर हैज बीन लो। उद्योगों में निवेश की तुलना में कृषि में निवेश कम हुआ है, मतलब कृषि क्षेत्र में निवेश कम हुआ है उद्योगों की तुलना में। बिल्कुल सही, तभी तो हमारे यहाँ के किसान वैज्ञानिक ढंग से कृषि नहीं कर पा रहे। मतलब एक दो तीन, तीनों सही हो गया। अब चौथा बचा है, चौथा देखिएगा क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित कोई ऑप्शन है, नीचे दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। आप कुछ ऑप्शन देख लीजिए क्या है, ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं एक दो तीन, एक दो, एक तीन, दो तीन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा एक दो और तीन, तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। और आंसर क्वेश्चन देखिए, आईएएस प्री का क्वेश्चन है, आईएएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, नो डाउट बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा जो सोच लेगा अपने आप से इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला, ये भी क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में डिस्कस करिए क्या है। Which of the following are the main causes of slow rate of growth of per capita income in India? क्या निम्नलिखित में से कौन से मुख्य कारणों में भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर भी धीमी है? सिंपल, फिर से पढ़िए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से मुख्य कारणों से, कौन से मुख्य कारणों से भारत में प्रति व्यक्ति आय की जो वृद्धि दर है वो धीमी है? क्यों? कह रहे हैं उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात मतलब हमारे यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में पूंजी लगाकर उत्पादन किया जाता है। हाँ बहुत सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जितना ज्यादा कम होगा, मतलब हमको जितना ज्यादा, हम जितना ज्यादा तकनीकी उन्नयन कर लेंगे उतना ज्यादा हमारा ये पूंजी उत्पाद अनुपात कम हो जाएगा। तो हम यहां पर क्या कह रहे हैं, हमारे यहां पर पूंजी उत्पाद अनुपात क्या होता है, कम होता है, इसकी वजह से हमारी पर कैपिटा इनकम में बहुत वृद्धि नहीं हुई। फिर कह रहे हैं जनसंख्या की वृद्धि की ऊंची दर, बिल्कुल सही, नो डाउट, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। अगला देखिएगा क्या है, अगला कह रहे हैं पूंजी रचना की ऊंची दर, कहां भैया कैपिटल फॉर्मेशन कहां हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन कब होगा, जब सेविंग इन्वेस्टमेंट में आएंगी, और सेविंग होती ही नहीं, एक तो हम डेवलपिंग नेशन है, हम दूसरे पर ऐसे ही निर्भर हैं, तो हमारे यहां पर सेविंग का मतलब कि पूंजी रचना या पूंजी निर्माण की, कैपिटल फॉर्मेशन की जो दर है वह भी कम है। अगला देखिएगा हाई लेवल ऑफ फिस्कल डेफिसिट, वित्त, अब पता है हमारे यहां पर बहुत ज्यादा वित्त घाटा भी पाया जाता है, लेकिन वित्त घाटा मतलब फिस्कल डेफिसिट की वजह से पर कैपिटा इनकम पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर हम ऑप्शन के बारे में एक बार चर्चा करें तो ऑप्शन देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं एक दो तीन और चार, तो ये गलत, चारों खत्म, ये खत्म हो गया पहला। कह रहे हैं दो तीन, भैया दो तीन भी पहला तो होगा ही, फिर कह रहे हैं एक और चार, और फिर कह रहे हैं एक और दो, तो ऑप्शन कौन है, एक और दो सही है केवल, और कोई भी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 24, प्लेस द फॉलोइंग स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है, अवरोही क्रम पूछा है, ऑफ देयर पर कैपिटा इनकम फॉर द ईयर 1998-1999, अपर कैपिटा इनकम के अनुसार पूछा स्टेट्स के बारे में, और आंसर करना है कोड्स के अनुसार। क्या कह रहे हैं देखिए, कह रहे हैं महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम, फिर कह रहे हैं गुजरात की पर कैपिटा इनकम, फिर उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम, फिर पंजाब की पर कैपिटा इनकम, और ये 2001 का क्वेश्चन है।
2001 का क्वेश्चन है, कंपेयर करने के लिए पूछा है कि सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है। तो अगर कंपेयर करिए, बताइए क्या होगा कंपेयर में। अगर हम कंपेयर करके आपको बताएं, कंपेयर करके बताएं, तो ऑप्शन देख लीजिए, पहले 4213, फिर कह रहे हैं 4132, 2413, और फिर कह रहे हैं 1423। क्या कह रहे हैं? 1423। चलिए हम फिर से डिस्कस कराते हैं आपको। देखिए, सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम कहां की हो सकती है, आप अंदाजा लगाइए, जहां की जीडीपी सबसे ज्यादा स्टेट की, जहां की जीडीपी ज्यादा सबसे ज्यादा जिस स्टेट की, ठीक। फिर उत्पादन देखिए, है उत्पादन ज्यादा, क्योंकि देखिए पर कैपिटा इनकम कैसे निकलती, जो आपकी जीडीपी होती है उसको अगर हम पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, कुल पॉपुलेशन से, तो जनसंख्या भी बड़ा महत्व रखती है यहां पर, तो क्या होगा। फिर देखिए, फिर पंजाब की है, और फिर क्या है, फिर अगर हम बातचीत करें तो देखिए 4 के बाद 1 कहां कहां पर है। पहले देखिए 4 के बाद 1 देखिएगा तो आपका मिल रहा है 4 के बाद 1 बी ऑप्शन में है, और ये आपका कहां पर है, डी ऑप्शन में, 1 के बाद 4। तो मैच करना है हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में, और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा कहां का। चलिए हम देखते हैं, बात करते हैं। देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर हम बातचीत करें तो देखिए सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम कहां की वर्तमान समय में, महाराष्ट्र की है, फिर कहां की है, फिर आप कह सकते हैं कि पंजाब की है, और फिर उसके बाद कहां की है, गुजरात की, और फिर कहां की, उत्तर प्रदेश की। सबसे ज्यादा देखिए ना पर कैपिटा इनकम कहां की, प्रति व्यक्ति आय दिए गए ऑप्शंस में, दिए गए ऑप्शंस में प्रति व्यक्ति आय अगर हम स्टेट के अनुसार, पहले देखिए अभी एक क्वेश्चन पीछे हुआ है जीएसडीपी का, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हमने अभी कहा कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए पॉपुलेशन बहुत बड़ा फैक्टर, जहां की पॉपुलेशन जितनी ज्यादा वहां की प्रति व्यक्ति आय कम होती चली जाएगी, कितना भी बड़ा उसका साइज हो, जीडीपी हो, उस स्टेट का जीडीपी हो, तब उसके अनुसार। अभी महाराष्ट्र है, फिर आप देखेंगे, अब हम सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य हैं, सबसे ज्यादा, तो आप सबसे लास्ट में चला जाएगा, और उसके पहले कौन हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। तो महाराष्ट्र हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा क्या है। ये भी बड़ा क्वेश्चन है, एक बार देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वाज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लो ग्रोथ इन पर कैपिटा रियल इनकम फॉर इंडिया। निम्न कारणों में से कौन कारण भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। धीमी बढ़त के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। अब धीमी बढ़त के लिए कौन जिम्मेदार है, मैं आपको बता दे रहा हूं। पहला फैक्टर है आपका जनसंख्या, जनसंख्या की खूब तेजी से वृद्धि हो रही, तो यह हमारी प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर को न्यूट्रल कर देती है। दूसरे के बारे में अगर हम चर्चा करें, मूल्यों में भारी बढ़त, देखिए भारी बढ़त को पेंडिंग रखना है, बढ़ती है कीमतें, बढ़ती है, और मुद्रा स्फीति अगर वर्तमान समय की बात करें तो डबल डिजिट में चल रही है, 13% के आसपास में इन्फ्लेशन चल रहा है, तो इसको रखेंगे, लेकिन अभी सही नहीं कहेंगे, क्योंकि आगे भी फैक्टर पढ़ना और क्वेश्चन भी ध्यान देना, 2001 का क्वेश्चन है। अगला देखिएगा ऑप्शन क्या है, स्लो पेस इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र के विकास में धीमी गति। हाँ, यह भी ऑप्शन, भैया कृषि क्षेत्र का विकास जो है और औद्योगिक क्षेत्र का जो विकास है उसमें स्लो ग्रोथ है। स्लो ग्रोथ का मतलब हम डेवलप्ड नेशन तुरंत बन जाएंगे, बस हमारी जो जीडीपी है देश की उसमें टोटल जीडीपी 25% का जो कंट्रीब्यूशन है, केवल इंडस्ट्री का, मैंने कहा सेकेंडरी सेक्टर नहीं कहा, सेकेंडरी सेक्टर और इंडस्ट्री में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैंने कहा केवल और केवल 25% कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, विनिर्माण क्षेत्र का हो जाए, भारत डेवलप्ड नेशन बन जाएगा ऑटोमेटिकली। और क्यों, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला होता है, और भारत की जीडीपी में क्यों वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि इस क्षेत्र की मतलब कृषि और उद्योग क्षेत्र की क्या रही है, धीमी गति रही है इसमें बहुत तेजी से, तो ये वाला हमारा ऑप्शन ये भी सही हो जाएगा। अगला देखो, कह रहे हैं कि विदेशी विनिमय दर की अनुपलब्धता, ये वाला तो गलत हो जाता है, 4 नंबर, विदेशी विनिमय दर की अनुपलब्धता है ही नहीं। 2001 का क्वेश्चन, आप सोचिए कहां, आज के टाइम में हम 634 बिलियन डॉलर रुपया विदेशी एक्सचेंज के रूप में लेकर रखे हैं, विदेशी मुद्रा, आप समझिए, मतलब हमारे पास में 8-9-10 महीने का ट्रेड करने के लिए पैसा रिजर्व के रूप में, और जब हम 1991 के आसपास में थे तब हमारे पास 15 दिन के लिए भी फॉरेन करेंसी नहीं बची थी, मतलब हमारे पास ये ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है हमारी पर कैपिटा इनकम स्लो होने का। तो ऑप्शंस पर पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आंसर बताएंगे। ऑप्शन देखिएगा क्या क्या कह रहे हैं, 1 और 2,
फिर कह रहे हैं 1, 2, 3 और 1, 4 और फिर क्या कह रहे हैं उपरोक्त सभी। तो हम अगर आंसर देखें तो आंसर देखेंगे तो चौथा वाला नहीं है, चौथा वाला नहीं है, बाकी 1, 2 और 3 सही होगा, 1, 2 और 3 सही होगा। ठीक है दोस्तों, 1, 2 और 3 मतलब क्या है, हमारी इनकम में क्यों बहुत तेजी से वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि जनसंख्या हमारी तेज से बढ़ गई है, इसके साथ साथ मूल्यों में भारी बढ़त भी होती रही है, और इसके साथ साथ में आप कह सकते हैं कृषि और उद्योग क्षेत्र का क्या हुआ है, कम विकास हुआ है। ठीक है ना दोस्तों, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच साथियों।